हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होते प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 8.3 है, चैप्टर अपना कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको एक कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी पिछले वाले क्वेश्चन से, ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे आप कुछ बहुत अच्छी चीज सीखोगे। हालांकि मैं आपको एग्जाम्पल्स में कंपेयरिंग क्वांटिटीज के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले एग्जाम्पल्स में सॉल्व किए वहां सब में मैंने बताए हुए हैं, बट तब भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो एक कमला है, जो मतलब कमला कोई भी हो सकता है, लड़का ले लो लड़की ले लो, कोई भी है, जिसने बोरो किया है। क्या किया है? बोरो किया है। बोरो क्या? कुछ पैसा उधार पे लिया है। देखो कितना लिया है, 26,400 फ्रॉम अ बैंक। क्या किया है? बैंक से उसने पैसा लिया। ठीक। टू बाय अ स्कूटर, उसे कोई स्कूटर खरीदना था उसके लिए। बट बैंक वालों ने क्या किया, उस पर क्या लगाया है, एक इंटरेस्ट लगाया है 15% पर एनम। ठीक है, मतलब पूरे साल में वो 15% इसका 26,400 पे 15% क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे 15% के हिसाब से। ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। तो ये जो रेट है ना, रेट स्कूटर पे लग रहा है 15, स्कूटर के अमाउंट पे, ये इस पे कंपाउंडेड एनुअली, और ये कंपाउंडेड लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट नहीं कि हर साल सेम इंटरेस्ट लगेगा, नहीं, इंटरेस्ट भी क्या होगा हमारा, चेंज होता रहेगा। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। चलिए समझाते हैं, बहुत मजा आएगा। टू क्लियर द लोन, क्योंकि इसको ये लोन क्लियर करना है। चलिए बता दें, टेंशन नहीं लेने का। देखो अपने को प्रिंसिपल दिया गया कितना, अपने को पैसा दिया गया 26,400, मान लेते हैं किसी ने भी लोन लिया है, मान लेते हैं हम ही ने लोन लिया है। ठीक है, इतने में मैंने लोन लिया। टाइम कितना है? टाइम देखो, टाइम बहुत ही जरूरी है। टाइम को आपको बहुत अच्छे समझना है कि अगर आपको टाइम दिया है ना, तो आपको उसको हमेशा पूरा का पूरा टाइम आपको ईयर में चेंज करना है। तो यहां पे तो हमको 2 ईयर दिया है, साथ ही साथ हमें दिया है एंड 4 मंथ, 4 मंथ दिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ईयर तो भाई साहब हमें दिया है 2 ईयर plus 4 मंथ। ये जो 4 मंथ होता है ना मंथ, इसको ईयर में, कभी भी आपको किसी भी मंथ को ईयर में चेंज करना है तो उसको, उस मंथ को डिवाइड कर दो, मंथ को डिवाइड कर दो किससे, 12 से। कैसा क्यों कहते हैं, क्योंकि हमें पता है 12 मंथ में कितने ईयर होते हैं, 1। तो एक मंथ में कितना होगा, 1/12। तो अब कितने भी मंथ से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितने भी मंथ हो, अगर मुझे कितने भी मंथ, एक्स मंथ चाहिए, एक्स मंथ को ईयर में चेंज करना है, मतलब समझो एक मंथ में कितने ईयर होते हैं ये, तो अब x मंथ कितने भी मंथ हो, ठीक है, कितने भी मंथ हो, मंथ से कर देते हैं मल्टीप्लाई, कितने भी मंथ हो, मंथ x, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x मंथ अपॉन 12, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो x क्या है, कुछ नहीं, यहाँ पे मंथ है तो x हटाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे x क्या है हमारा, मंथ, 4 मंथ में पूछ रहा है। देखो अब यहाँ पे 4 मंथ में पूछ रहा है कितने ईयर, तो हमें पता है 12 मंथ में कितने होते हैं, 1 ईयर, हाँ कि ना, 1 ईयर होता है, मतलब एक मंथ में कितना होगा हमारे पास, हमारे पास कितना होगा एक मंथ में 1/12 ईयर होगा। तो 4 मंथ में कितने होंगे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई, मतलब 4/12, तो 4 × 4 = 12, मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हुआ, 4 मंथ जो है देखो 4 मंथ जो है 1/3 ईयर के बराबर है, तो इसे 12 से डिवाइड कर दो। इतना समझ में आ गया कि नहीं, कि क्यों मैं यहाँ पे 12 से डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि 4 मंथ को अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं तो ईयर में चेंज हो जाएगा, हाँ कि ना। तो हमारे पास ईयर कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 12, तो 2 ईयर plus 1/3 ईयर, हाँ कि ना। टाइम कितना है हमारे पास, 2 ईयर plus 1/3 ईयर, इतना टाइम है हमारे पास। ठीक है, अब देखो ध्यान से, देखो हमारे पास रेट कितना है, किस रेट से बढ़ रहा है, हाँ कि ना, कितना परसेंट लगा रहे हैं, 15% लगा रहे हैं हम लोग हर साल 15% लग रहा है। अब यहाँ पे आपको इतना, ये चीज तो गिवन रहेगी, मतलब 3 चीजें हमेशा याद रखनी है, P निकालना है आपको, R निकालना है और T निकालना है।
टी पे हमेशा ज्यादा फोकस करना कि टी हमेशा ईयर में आ रहा है कि नहीं, ईयर में आ रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा चेंज करो। दूसरा आप फोकस करोगे फिर रेट पे, रेट अगर आपको फ्रैक्शन में दिया है, फ्रैक्शन में दिया या मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इस चीज पे फोकस करना। बट यहां पे हमने फ्रैक्शन में नहीं दिया है, हमें सीधा होल नेचुरल नंबर में दिया है, आगे ना नेचुरल नंबर में दिया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है ना। फ्रैक्शन में दिया होता तो फिर थोड़ा सा हम लोग वहां पे सोचते, तो वहां पे दो चीजें हो सकती है, अगर फ्रैक्शन में दिया है और अगर डिनोमिनेटर 2 है तब भाई साहब हम लोग फॉर्मूला का यूज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर फ्रैक्शन में दिया है और डिनोमिनेटर 2 ना होके 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, कुछ भी है, तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके पहले एक साल का निकालते हैं, फिर जो आंसर आता है फिर उसका यूज करके हम लोग दूसरे साल का निकालते हैं, फिर तो उसी का आंसर यूज करके हम लोग तीसरे का निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें इस पहले वाले से प्रिंसिपल फर्स्ट मिलता है, P1 से हम आगे ना प्रिंसिपल मिलता जाता है, हर एक ईयर से हमारे प्रिंसिपल दूसरे ईयर का मिलता जाता है, ठीक है, तो हम लोग यूज करते हैं। तो चलो इसे रब कर दिया, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब देखो किस तरीके से हमको निकालना है कंपाउंडेड एनुअली। तो मैंने आपको बताया था ना तीन फॉर्मूले होते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के, कौन कौन से, पहला होता है कंपाउंड एनुअली, कंपाउंड हाफ ईयरली और कंपाउंड क्वार्टरली। इसका फॉर्मूला होता है क्या, A इज इक्वल टू पी वन प्लस आर, वन प्लस आर अपॉन 100 पार एन। इसका फॉर्मूला होता है A इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाई 2 अपॉन 100 आर 2n। इसका होता है A इज इक्वल टू पी वन प्लस आर बाई 4 अपॉन 100 पार 4n, हाँ कि ना। एन क्या होता है, एन यहां पे होता है, एन क्या होता है, जो हमें नंबर ऑफ ईयर्स दिया होता है, इसके केस में नंबर ऑफ ईयर हो जाएगा, इसके केस में नंबर ऑफ हाफ ईयर्स हो जाएगा, नहीं जो हमें ईयर दिया होगा सिर्फ वही लिखे। एन क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है, ठीक है ना, समझ में आया कि एन होता है नंबर ऑफ ईयर, एन होता है नंबर ऑफ ईयर। चलो तो यहां पे हमें नंबर ऑफ ईयर्स यहां पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला यूज करते हैं। अब देखो यहां पे हमें 2 ईयर दिया है तो हम लोग कंपाउंडेड एनुअली का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम लोग पहले 2 ईयर का निकाल लेंगे फिर 1/3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट का यूज करके। कैसे, देखो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, सॉल्यूशन देखो, पहले हम 2 साल का वो जो दिया है 2 साल प्लस ये, पहले 2 साल का निकाल लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके। ए इज इक्वल टू पी वन प्लस, सुनते रहो, 1 प्लस आर बाई 100 पावर एन। यहां पे पी हमारा क्या है, 26,400, 1 प्लस आर कितना है हमारा 15 अपॉन 100, पार कितनी है, एन कितना हो जाएगा हमारा अभी के लिए 2 हो जाएगा, ठीक है, होल है कोई नहीं, 2 साल के लिए हम लोग निकाल लेते हैं पहले, तो आ जाएगा 26,400। इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे 100 आ जाएगा, ऊपर भी 100, 100 प्लस 15 115 अपॉन 100 पावर कितनी है 2। इसका मतलब ये पोर्शन अंदर 2 बार खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 26,400 115 अपॉन 100 इंटू 115 अपॉन 100, ठीक है ना। इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, ये 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 26,400 इंटू 115 इंटू 115 अपॉन 100। अब इसे करने की जरूरत नहीं है, इसको आप क्या करो खुद करके देखो, अगर हो रहा है आपसे तो बढ़िया, और अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आपको अपना फोन उठाना है तो कैलकुलेशन यहाँ पे ज़्यादा समय ना देते हुए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन हम लोग अपने फ़ोन से करेंगे, ठीक है, ताकि जल्दी हो जाए, ज़्यादा समय ना लगे। तो चलिए हम लोग फ़ोन से करना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने 26,400 इंटू 115 इंटू 115 किया तो आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, 3491400400 लिख देते हैं, कितना आ रहा है आंसर आ रहा है मेरा, देखिए ये देखिए आ रहा है 3491400 अपॉन ये 100 लिखेंगे ना, तो ये 2 जीरो जाएगा, ये 2 जीरो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 34914 ये आ जाएगा हमारा अमाउंट, मतलब 34914 मुझे देना होगा,
कि अभी तो मैंने देखो कितना लिया था, 26,400 लिया था, ये तो दूसरे साल की बात हुई कि दूसरे साल में हम इतना पे करना पड़ेगा, अभी चार महीना और है तो दूसरे साल का हो गया। अब इसी प्रिंसिपल का यूज करेंगे, अब ये प्रिंसिपल, ये जो अमाउंट मिला है ना, दो साल का जो अमाउंट होता है ना वो आने वाले साल का प्रिंसिपल बन जाता है। तो अब देखो फोर मंथ का अब निकालेंगे, तो अब निकालेंगे हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालेंगे हम लोग ठीक है। सुनो, या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करो, इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट दोनों भाई होगा, क्या कहता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, हाँ कि ना। पी क्या हो जाएगा, पी क्या हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर का निकाल रहे हैं, तो हम लोग ये वाला, अब हम लोग दो साल का निकाल चुके हैं, अब हम लोग फोर मंथ का, फोर मतलब 1/3 ईयर का निकालेंगे, तो प्रिंसिपल कितनी हो जाएगी, ये होगी, ये वाली नहीं, तो हो जाएगी ये 34914 इंटू रेट क्या है 15, टाइम कितना है 1/3 ईयर, 1/3 ईयर अपॉन 100, ये करेंगे तो ये क्या हो जाने है, 3 नीचे ही आ जाने वाला है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे, इसे ऐसे लिख देंगे अपॉन 3, हाँ कि ना, इंटू 100 ये कर देंगे। तो अब हमको इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो करते हैं, या फिर ऐसे कर लें, 3 × 3, 3 × 3, 4 = 12, 3 × 5 = 15, ये देखो हमने कर लिया, ठीक है। अब क्या करो, 5 इसको इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसको मल्टीप्लाई, यहां से जो हमें मिलेगा ना वो कुछ और नहीं, हमें इंटरेस्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा 90, करते हैं, करके देखते हैं, तो यहां से हमें मिलेगा 34914 × 5, तो ये हमको मिलेगा बच्चों, ध्यान से सुनो, यह हमें मिलेगा 174570 upon 100, ये मिलेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दो आगे इधर चल जाएंगे आगे 1745.70, ये आएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, आया है कितने साल के लिए आया है, 1/3 ईयर के लिए, तो टोटल हमारा, अब देखो ध्यान से सुनो, अब टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अब टोटल अमाउंट कितना होगा, कौन बताएगा मुझे, ये इंटरेस्ट ऐड कर दो किसमें, ये पूरा जो इंटरेस्ट आया इसमें ऐड कर दो, ये टोटल अमाउंट मिल जाएगा हमसे, व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 ईयर 4 मंथ, तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो इसे अब करते हैं, कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट पूछ रहा है, तो टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा, ये जो अमाउंट निकाला है 3934914 प्लस 1745, ये जो इंटरेस्ट निकाला 0.70, ठीक है, तो करके देख लेते हैं तो ये हो जाएगा 34914, ठीक है, और आ जाएगा 7.0, ये हो जाएगा, और ये आएगा 5471.70, ठीक है ना, चलो ये आ जाएगा 70.95 7 9 7 16 4 5 6 3, तो आप देख सकते हैं ये होगा हमारा टोटल आंसर 36659.70, ये आ जाएगा हमारा अमाउंट, वो भी टोटल अमाउंट होगा 36659.7। तो देख रहे हो ना बैंक वाले कैसे पैसे कमाते हैं, आपको दिया है 26,400 और दो साल चार महीने के बाद उनको कितना देना पड़ रहा है 36,659.70। तो देख लेते हैं क्या हम लोगों ने आंसर सही लिखा है कि नहीं, ठीक है, सही आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सही करेंगे, तो उम्मीद करता हूं कि आंसर सही हम लोगों ने निकाला होगा, तो 36,659.70, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो यहां पे देखो एक और चीज पूछ सकता था, अमाउंट पूछने की जहां पूछ सकता था कि फाइंड करिए CI कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करिए कि कितना लगेगा, तो एक तो हम लोगों ने यहां से इंटरेस्ट निकाला ही है लास्ट में, वो भी 1/3 का निकाला इंटरेस्ट, और हमें निकालना हो अगर दो साल का और निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ये जो अमाउंट दिया है, ये जो टोटल, ये जो अभी मैंने निकाला है, ये वाला अमाउंट दो साल का निकाला है ना अमाउंट, इसमें हमें क्या करना है, बस इसी से ही हम लोग क्या करेंगे, अब सुनते रहो, ये अगर इंटरेस्ट निकालें, बचा वाला इंटरेस्ट निकालें, दो साल का इंटरेस्ट निकालें, ठीक है, 1 and 2 का इंटरेस्ट निकाल दें साथ में, 1 and 2 ईयर का साथ में इंटरेस्ट निकाल दें, तो आपको 34914 से माइनस कर देना है ये इस प्रिंसिपल को 26, ये जब माइनस कर दोगे तो आपको पहले और दूसरे साल का एक साथ इंटरेस्ट मिल जाएगा, उसको इसको ऐड कर दो तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा,
ठीक है समझ में आ रहा है ना, इतना तो हमारा आंसर आ ही गया, जवाब कर दें। चलो ये पहला तरीका हो गया निकालने का। दूसरा तरीका मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है सॉल्व, अगर आप कभी भी फंस जाओ और आप भूल जाओ तो कैसे करना है। क्या करते हैं हम लोग ईयर बाय ईयर कैसे करते हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर लिखेंगे। फर्स्ट ईयर हम लोग कैसे निकालेंगे, फर्स्ट ईयर पे हमारा क्या, अब देखो कैसे फर्स्ट ईयर में निकालेंगे। देखो पहला तो हमें प्रिंसिपल दिया है, प्रिंसिपल क्या है 26,400 दिया, रेट दिया है हमें 15% और टाइम हमें दिया है 2 ईयर और 1/3 ईयर, मान लेते हैं वो 4 ईयर 1/3 डायरेक्ट कर रहे हैं। अब देखो तो हम लोग एक साल पे हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे पहले 15%, तो फर्स्ट ईयर में हमारा 15% इंटरेस्ट लगेगा। किस पे लगेगा 15% इंटरेस्ट, बताओ ना 15% इस पे इंटरेस्ट किस पे लग रहा है, इस पे। तो 15% किस पे लग रहा है, इस पे 26 का हम लोग 15% निकालेंगे। यहाँ इस ईयर बाय ईयर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है 15% निकालते हैं इसका, और फिर क्या करते हैं इस प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं 26%। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर बताओ, इसका आ जाएगा 15, हाँ कि ना, 15% इंटू 26,400, 20 चला जाएगा, 20 चला जाएगा। अब क्या करो आप 264 इंटू 15 करो, 15 का 15 15 30 15 तय 45, 15 चौका 60, 60 के 0 6 आ गया, 15 चौका 60, 15 पे 75, 15 छक्के 90, 90 और 6 96 और ये आ जाएगा 9, 15 का 15 15 दूनी 30, 30 और 9 39। तो देखो हमारा फर्स्ट ईयर का जो रेट आ रहा है, रेट इंटरेस्ट रेट वो इतना है, तो हमारा अमाउंट कितना बन जाएगा, अमाउंट बताओ प्रिंसिपल क्या है 26,400, उसमें ऐड कर देंगे 3,960, तो हमारा क्या न्यू अमाउंट, हमारा अमाउंट टोटल कितना आएगा, टोटल अमाउंट कितना आएगा, वो आ जाएगा पहले 0,0 आ जाएगा, 0,6 और 0,6 आ जाएगा, 9 और 4,3 आ जाएगा, 3,1,6 और 3,9 और 9,1,0,0,0 हाँ से लाए, ये आ जाएगा फिर 2 और 1,3, 30,360 आ जाएगा पहला। अब ये जो अमाउंट हमें टोटल मिलता है ना, वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, तो मतलब यही जो ए होगा वो पी टू बन जाएगा, ठीक है, ये पी वन था ये पी टू बन गया। अब देखो यही क्या हो जाएगा पी टू, इसका मतलब सेकेंड ईयर के लिए हमारे पास पी टू है और हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 15% किस पे, पी टू पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम लोग निकालेंगे 15% किस पे, पी टू पे, पी टू कितना है हमारे पास, पी टू है हमारे पास 30,360। अब देखो यहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा, मान लेते कोई वाई आ जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, क्या करें वाई आ जाता है इंटरेस्ट, तो उसको क्या करोगे अमाउंट निकालने के लिए 3,360 प्लस वाई इसमें ऐड कर दोगे। अब ये जो हमारा आ रहा है ए टू जो आ रहा है वही क्या हो जाएगा हमारा, अमाउंट टू जो आ रहा है हमारा वही क्या हो जाएगा अगले साल के लिए, अगले साल का क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा, मतलब ए थ्री हो जाएगा, पी थ्री हो जाएगा। अब ये जो पी थ्री आएगा, ये जो पी थ्री आ रहा है प्रिंसिपल आ रहा है थ्री थर्ड ईयर के लिए, अब थर्ड ईयर मतलब क्या फोर्थ ईयर, मतलब वो 1/4 ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए मान लो, उसका कैसे इंटरेस्ट रेट निकालेंगे, उसका सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या करेंगे पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 वाला यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम भी मिल जा रहा है 1/4, तो देखो पी ये है पी, पी क्या है पी, यहाँ पे ये होगा ये पी थ्री, तो पी थ्री लिखोगे जो आएगा इंटू रेट, रेट हमें पता है 15% इंटू टाइम क्या है 1/3, हाँ कि ना, अपॉन में लिख दोगे 100, पी थ्री बस आपको याद रखना है, यहाँ से इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा कितना इंटरेस्ट लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इसी सिंपल इंटरेस्ट को ये जो आ रहा है उसको P3 में ऐड कर देना है, तो अमाउंट जो होगा हमारा वो P3 प्लस ये वाला जो आएगा इसको ऐड कर देना आ जाएगा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों ये वाला स्टेप समझ में आया होगा कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है, कि स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, मतलब ईयर बाय ईयर कैसे करना है, और अगर फॉर्मूला यूज करके करना है तो कैसे करना है। तो फॉर्मूले से हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो अगर ना आया हो ना प्यारे बच्चों, तो एक बार इसे जरूर रिवाइज करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, और हाँ रिवाइज करना मत भूलना, ठीक, चलो।